ऐसी कॉमन चीज जो हर इंसान, हर एक ऐसा कोई बंदा जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके दिमाग में आती है, एक ऐसी चीज जो कितने ही मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ चुके हैं, कितने मेरे ऑफलाइन फ्रेंड्स भी वो भी मुझसे पूछते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए यार। मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मिनिमम कितने रुपए से शुरुआत करूँ यार, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, या कितने रुपए में ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो जाता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होता है। सो ये क्वेश्चन होता है, इसका जवाब आज मैं बताऊंगा, और कम से कम किस तरह से आप कम बजट में बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें समझूंगा। लेकिन सबसे पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मेरा कोई सा भी वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब लोग पूछते हैं कि मिनिमम कितने रुपए से ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जाना चाहिए, आइडियल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये एक बड़ा ही विचित्र क्वेश्चन है, ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है मेरे लिए, जिसका आंसर, जिसका जवाब देना मेरे लिए बहुत भारी रहता है, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया है, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है कि इतने रुपए से आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो भी इंसान ये सवाल पूछता है कि कम से कम कितना पैसा चाहिए, तो उसके दिमाग में ये रहता है कि मेरे पास पैसा कम है और मैं क्या, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ क्या।